हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी समरी पर। आज हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चमन बहार के बारे में। डायरेक्टर अपूर्व धर, स्टार कास्ट जितेंद्र कुमार, रितिका बदयानी, ओवन अरोड़ा और आलम खान। एक गोरी चिट्टी सुंदर लड़की देखे और यह लड़का ये तेरी भाभी है पगले बोल दे तो आप टिपिकल बॉलीवुड फिल्म में आ चुके हैं। कम से कम चमन बहार आपको इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमने वाली फिल्मों के पास लेकर जाएगी। मजेदार तो यह है, पूरा देश कबीर सिंह देख चुका है और इस देश को अगर कबीर सिंह पसंद आती है तो फिर ये सस्ती कबीर सिंह भी पसंद आएगी। चमन बहार पूरी तरह से कबीर सिंह है, बस लोकेशन देसी है, लड़का थोड़ा और देसी है। इस फिल्म को बनाया है उस एक प्लॉट पर जो 90 के दशक में हर बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट होता था, पहली नजर का पहला प्यार। यहाँ बात हो रही है बिल्लू यानी जितेंद्र कुमार के पहली नजर के प्यार रिंकू की। चमन बहार आपको उस जमाने में लेकर जाता है जहाँ लड़की का पीछा करना, उसे देखते ही उस पर ठप्पा लगा देना, लड़की चाहिए तो चाहिए वाला एटीट्यूड हीरो के लिए कूल माना जाता था और यही सारी चीजें देखकर अब आप असहज महसूस करेंगे। ये एक सीधी सी कहानी है। एक लाइन में अगर चमन बहार की कहानी कही जाए तो इसे आप देसी कबीर सिंह कह सकते हैं। एक लड़का एक लड़की को देखता है और सोचता है कि ये मेरी है। दिक्कत यह है कि कई और लड़के इस लड़की को देखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी है और फिर पूरी फिल्म इस लड़की को एक दूसरे की भाभी बनाने में निकल जाती है। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो बिल्लू यानी कि जितेंद्र कुमार की जिंदगी बहुत खराब जा रही थी। वो एक पनवाड़ी है यानी कि पान की दुकान चलाता है। दुकान का नाम है चमन बहार। लेकिन इस दुकान की किस्मत तब बदलती है जब दुकानदार के सामने वाले घर में रहने आती है रिंकू और रिंकू को देखने के लिए आती है पान की दुकान पर भीड़। बात करें यह फिल्म क्यों खास है तो इस फिल्म में रिंकू ज्यादा नहीं बोलती है, बोलती है उसकी टांगे। जी हाँ, रिंकू के आसपास मजनू की भीड़ है क्योंकि वो इलाके की इकलौती लड़की है जो शायद शॉर्ट्स पहनती है और इस बात को फिल्म में हाईलाइट भी पूरे तरीके से किया गया है। अब धीरे धीरे ये फिल्म आपको इरिटेट करना शुरू करती है, जैसे कि स्कूल जाने वाली लड़की, रिंकू के पीछे लड़कों की पूरी जमात का चलना, अफसर जी के लड़के का भी इन लड़कों में शामिल होना और इन सारी चीजों को फिल्म में हास्यास्पद तरीके से दिखाने की कोशिश भी की गई है। फिल्म और आसास तब होती है जब जीप से रिंकू का पीछा करने वाले लड़के कहते हैं कि जीप उसकी स्कूटी के पास होनी चाहिए, जिससे उसे पता रहे कि उसका पीछा किया जा रहा है। इसे भी कॉमेडी की तरह ही इस्तेमाल किया गया। चमन बहार 2018 में जितेंद्र कुमार का फिल्म डेब्यू होने वाला है। वो इस फिल्म में हीरो दिखने की पूरी कोशिश करते हैं और फिल्म को अपने कंधों पर संभालने की भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिल्म का लचर लेखन और बेदम कहानी उनकी कोई मदद नहीं करती। फिल्म में कास्ट की भरमार है लेकिन किसी का कोई काम नहीं दिखाई देता क्योंकि सबका काम है कुछ उधड़े हुए डायलॉग्स के साथ कॉमेडी करने की कोशिश करना और रिंकू का पीछा करना। फिल्म में रिंकू क्यों है, किस लिए है, इसका कोई जिक्र नहीं है। उसे कितनी परेशानी हो रही है, वो क्या महसूस कर रही है, इसे भी दिखाना डायरेक्टर ने जरूरी नहीं समझा। कुल मिलाकर पूरी फिल्म में रिंकू एक सुंदर गुड़िया है जिससे खेला जा सकता है, मन बहलाया जा सकता है। कुल मिलाकर पूरी फिल्म पुरुष समाज पर चोट करने के उद्देश्य से बनाई गई थी या पता नहीं, लेकिन ये फिल्म पुरुष समाज पर चोट करती हुई कहीं से नहीं दिखती है। वहीं पूरी फिल्म कॉमेडी, एक्शन से लेकर ड्रामा और इमोशन तक हर जगह बिखरी हुई है। हमारी राय में इससे अच्छा आप जितेंद्र कुमार की कोई और सीरीज किसी और चैनल पर देख लीजिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 out of 5 star। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।